अगर स्कूल लाइफ एक पिक्चर है तो 11th क्लास इंटरवल है। छवि को कोटा गए हुए बस 2 ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन लगता है जैसे सालों बीत गए। सब कुछ बदल गया लेकिन कुछ नहीं बदला। हमारे गोले वाले भैया US चले गए, वहाँ फूड ट्रक से स्नोकोन बेचते हैं, लेकिन उनकी जगह गांव से उनके भाई आ गए। भैया मुझे नीला वाला देना, एक्चुअली वाटरमेलन मेरा फेवरेट है। सुसु आज भी अपनी कलर ब्लाइंडनेस, इग्नोरेंस और इग्नोरेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस से जूझ रहा है। थैंक यू। ओ बेंचो, हैंग आउट तो ठीक है सुसु। धूव कबीर, कितना अजीब सा लग रहा है यार ये। हाँ चोट लगी थी ना तो क्या, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी क्या यार? देखना कितना बदला बदला लग रहा है। पागल है क्या कबीर? अपना सुसु ही तो है। देख मेरे साथ ये प्रैंक मत कर, ये टीवी सीरियल थोड़ी है। अरे मेरे लिए ये ब्लू फ्लावर्स कौन लाया? कबीर अभी भी अपने आप को बैड बॉय साबित करने में लगा है। मिस्टर बुलर, कबीर के वजह से कल हमें एक लड़की को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्या? टीनेज प्रेगनेंसी? अरे क्या बोल रहे हो आप? मैम मैं बताता हूँ, उसने मेरे सर पे डस्टर फेंका था तो फिर मैंने उसके ऊपर चौक फेंकी, अब गलती से उसकी आंख में चली गई तो मेरी क्या गलती है? दिस इज अ सीरियस मैटर। यस दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। पूरी लड़की के ऊपर हाथ उठाए? नहीं ना, मैंने सिर्फ चौक फेंकी थी। तो बिना बिना हाथ उठाए चौक कैसे फेंकते? तू बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे? ये ले चौक फेंक के दिखा मुझे, बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे? अरे लग जाएगी। मुझे कुछ नहीं, बेवकूफ समझ रखा। और कबीर आज भी बिल्कुल भी बैड बॉय नहीं है। पागल हो गया लक्की भैया, इतना मारने की क्या जरूरत थी? तूने तो बोला था बाप की एक्टिंग करनी है, मेरा बाप तो मुझे इससे भी ज्यादा मारता था। ये है लकी भैया, कबीर की सोसाइटी में रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाइक चलाते हैं, बहुत कूल है, फिर भी हम बच्चों के साथ हैंग आउट करते हैं। आपको बुलाने का क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कबीर कि आज से तेरे लकी भैया और तेरी कविता मैडम की लव स्टोरी। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। सबकी लव स्टोरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के रह जाता हूँ मैं, अब कोई और लव स्टोरी चलने नहीं दूंगा। ये मेरी लव स्टोरी की बात कर रहा है कबीर।